अभी हम लोग मिलने वाले हैं ऐसे शख्स से जो कि खुद गोल्ड बने, खुद वन स्टार बने, खुद टू स्टार बने और खुद ही थ्री स्टार भी बने हैं। तो नाम है अमर महापुर सर, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत बढ़िया काम करके शानदार लेवल अचीव किया है। तो प्लीज सर, वेलकम सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज क्लियर है सर? यस सर, यस। आप सभी को पहले तो धन्यवाद सर, जो इतना गाइडलाइन से हमको आगे बढ़ाए, और तीनों एमडी सर को कोटि कोटि मेरा प्रणाम है सर, कि हमारे पूरे केटीएस सिस्टम को ऐसे डिजाइनर बनाए जो कि हर आम आदमी को खास आदमी बनाने में हमारे साथ पे साथ खरे उतरे हैं। आवाज आ रहा है सर? यस सर, यस, आवाज आ रहा है। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी मेरे ग्रेट अपलाइन हैं। नाम पहले तो ग्रेट अपलाइन का ही लेना चाहूंगा सर, क्योंकि पल पल हर जगह मेरे को साथ दिए। लाने वाले मेरे को जो इस सिस्टम में लाए, मोहन पाल हैं, अशोक पाल जी हैं, और सबसे ज्यादा मेरे को गाइड करते गए वो हैं जुम्मन लाल साहू सर, उसके बाद सुमन सर, तिलक सर, और ग्रेट अपलाइन जो हर जगह मेरे को कुछ भी समस्या हो तो तुरंत कॉल करके मेरे को बता दिया ऐसे कीजिए बोले, वो आप ही हैं सर, राम नारायण प्रजापति सर। आवाज आ रहा है सर? हेलो यस सर, आवाज आ रहा है, आप कंटिन्यू करिए सर। जी सर। तो इसी सिस्टम को मैं अपने पार्टनरों को कंटिन्यू बात करते हुए और सिस्टम में ट्रेनिंग में बिठाते हुए पूरे अपने आप को समर्पित करके इस सिस्टम में मैंने पूरे अपने आप को झोंक दिया, और मेरे पार्टनरों ने भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट किए, कंटिन्यू मेरे साथ बनाए हुए हैं। जो मेरे पार्टनर हैं मैन तोसन सर, रूपराम साहू सर और नरेंद्र पवार जी, इन लोग कंटिन्यू बने हुए हैं और साथ हाथ धरे चल रहे हैं सर। और इसी तरीके से हम स्टार वन और गोल्ड का लाइन बिछा रहे हैं। और सबसे खुशी वाली बात मेरा यह है सर, जो जी कि मेरी लाइफ में जो परेशानियां थी, और मैं अपने आप पर बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ, जो आज 1 महीना पहले बोला गया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस दिन से धमकी भी आना चालू हो गया था, लेकिन उसी मन और मैं कल जो मेरा सबसे बड़ा जो सपना था वो आपको पहले बता चुका था, और वो मेरा कंप्लीट हो गया सर। जिस कर्जे से लोग वो होते थे ना, आज उस कर्जे से मैं ऑफिस भी ओपन हो गया, और उसी 16 तारीख को मैंने स्टार 3 भी बन गया, और उसी 16 तारीख को सर मैं जो कर्जा था वो पूरा फिनिश हो गया सर। और जो रहता है जो एक दो पॉइंट तो जीवन भर वो चलता रहेगा, जितना भी बड़े आदमी हो एक दो पर्सन ही रहता ही है, लेकिन उससे सबसे बड़ा जो मुसीबत मेरे को झेल रहा था क्लियर हो गया सर। और आज से फिर 0 से स्टार्ट करूंगा, और 30 सितंबर को परलैक्स से मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार, जबरदस्त। टोटल और इनकम मेरे कितना हो गया सर? आप कब ज्वाइन किए 26 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग किया था सर, थे? मार्च। अभी तक टोटल तो इनकम कितना कर लिए हो आज तक का? टोटल इनकम मेरा जो हो गया सर 5.5 लाख प्लस का है सर। जी, तो इस 5.5 लाख का क्या किए हो आप? बस 35 हजार, ये 35 बोलता हूँ, 45 हजार कुछ बचा है सर कर्जा, उसके बाद पूरा कर्जा से मुक्त हो गया। सबसे जी मेन मेरा सपना वही था। जी जी बहुत बहुत बढ़िया सर। और सर ने मुझे जो जानकारी दी थी कि कर्जा इतना हो गया था कि जमीन को बेच के देना है करके, सौदा भी हो गया था, लेकिन भगवान ने भेजा एक अवसर और अमर माकुर सर ने पहचाना और उस अवसर में अपने आप को झोंक दिया और आज के डेट में वो जो जमीन है उसको बचा लिए, है ना? आदमी जीवन में ऐसा सही है सर, कंडीशन आ जाता है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को। जी, ठीक सर, म्यूट कर लेंगे सर।
बाकी मैं बता देता हूँ पार्टनर लोग को, है जी सर, ना, मेरे से बहुत बार बात हुआ है। सर ने बताया कि जमीन का ना सौदा हो गया था, कर्जा वाले लोग रहता है ना, कितना ज्यादा तंग करते हैं जब स्थिति खराब होता है। तो जमीन बेचने से वक्त बच गया, खरीदे कि नहीं खरीदे ये मैटर नहीं रखता, लेकिन बेचने से बच गए। डीएमपी ने काम किए और उस सौदा कैंसिल किया और अपने जितने भी कर्जा थे उनको दे दिए। और अभी जो बताया सर ने आखिरी, उसके लिए इतना ज्यादा परेशान किया गया था, इतना ज्यादा परेशान किया गया था कि गाड़ी को अभी छोड़ दे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सर ने डीएमपील में उस दर्द को ना दवा बना लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं परेशान हूं अपसेट हूं ऐसा वैसा, लेकिन सर ने उसी तकलीफ को ही दवा बना लिया। कर्जा था पीछे था, रात दिन एक किए, और मार्च से लेकर अभी तक अगर हम लोग जोड़ते हैं, 5 महीने में 5 लाख ज्यादा इनकम करके अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी को बचा लिया। तो ये केटीएस सिस्टम ऐसे ऐसे कारनामे किया है कि सपना हो या ना हो, लेकिन यार जीवन में सबसे ज्यादा बड़ा तनाव रहता है आदमी कर्जा। सपना पूरा नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन कर्जा वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सामने वाला आदमी उसके उसमें रहता है, आपको सुबह शाम रात दिन फोन करेगा, लोगों के बीच में आपको बेइज्जत करेगा, कुछ भी कर सकता है, घर में आके गाली गलौज कर देगा। सपना पूरा हो चाहे मत हो, लेकिन कर्जे से मुक्ति दिला दिया है। तो ऐसे सिस्टम को, है ना, शब्द ही नहीं है कि हम कुछ बोल पाए, ऐसे एमडीओ के लिए कोई भी शब्द नहीं हमारे पास कि हम बोल पाए। तो आइए चलते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो और रिलेट किया हो कि एक इंसान जो कर्जे के कारण इधर इधर मारे मारे घूम रहा था, उसने आज पूरे अपने कर्जे को इस सिस्टम के माध्यम से खत्म किया है, और अब आज से जीरो होके अब सपने के लिए काम करेंगे कहना है, तो मैं लेके चलता हूं, ऐसा कब कर पाता है आदमी।